हेलो दोस्तों, मैं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपी मैच चैनल। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज 6 जनवरी को सुपर टेट सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। इसमें मैं मैथ के जो 20 क्वेश्चन आए उनका 100% सटीक सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए बीके किस मान के लिए एसएमई का इतने को सत्य है, तो इसका जो आंसर है दूसरा है, क्योंकि इसमें हम 20 से 5 के बराबर या 5 से बड़ा मान रख के देखें तो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और -4 से छोटा मान यानी -5 और -6 इसमें रख रहा है तो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में ये दे रखा है, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें इसका क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर हम 5 यहाँ पर 12 रख रहे हैं तो ये 13 आ जा रही है, और ये दोनों ही इसको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इन दोनों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और जैसे ही हम इनकी गुणा करेंगे तो 12 × 5 = 60 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 8 × 15 का तीसरा आंसर इसका हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं की ऊंचाइयों का अनुपात इतना दे रखा है तो उनके व्यासों का अनुपात ये है तो उनके आयतनों का अनुपात याद कीजिए, तो इनको भाग दे देना हमें, तो भाग करेंगे इसमें तो 1/4 और इनका व्यासों का वर्ग करना है, यानी कि 16/25। आप देखिए इसे काटेंगे 4 × 16 यानी 4/25, इसका जो पहला राइट आंसर हो गया, तो इसका आंसर हो गया पहला वाला। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नौ प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। तो नौ अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो हैं पहली 2, फिर 3 और फिर 5, 7, 9, 7, 11, 13, 17 और 19 और 23, ठीक है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो टोटल जो आएगा इनका 100 आएगा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा 1/9, यानी इसका जो फोर्थ पार्ट है इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए ये है, तो अगला क्वेश्चन है √29/16 = 54 है तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो अब हमें करना है क्या, जैसे ही हम पहले वाले पर रखेंगे तो ये आएगा 54/10, पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल हो गया 10। ऐसे ही इससे अगले वाले में रखेंगे तो 54/100 आएगा, 54 फिर आएगा 1000 और 54 फिर अगले वाला आ जाएगा 54/1000, और जैसे ही हम इन सबको प्लस करेंगे तो प्लस करके इसका जो आंसर हो जाएगा, और बाद में हम 54 से इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 4 के बाद इसमें पॉइंट लगा देंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला इज़ द राइट आंसर, यानी कि 5.994 इसका जो है राइट आंसर है। अब हम देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का जो योग है 98 है, पहली दूसरी में इतना अनुपात है तो, और दूसरी तीसरी में ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका अनुपाती योग समान कर लेते हैं, तो अनुपाती योग समान करने के लिए मैं इसको पहली को करूँगा 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/15, और दूसरा हो जाएगा इसको करूँगा मैं 15 करने के लिए 3 से, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, ठीक है। देखिए यह मैंने अनुपाती योग समान कर लिया है। अब क्या है, इन सबका जो जोड़ है वो कितना है 98, तो 6x + 15x + 24x = 98 यानी x = 2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है दूसरा, तो 15x की जगह हम 2 रख देंगे, 15 × 2 = 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ 30। अब देखिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझेंगे, 8 त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज निर्मित है तो उसका परिमाप याद कीजिए। तो अगर जब हम परिमाप बनाते हैं समषट्भुज बनाते हैं इस तरह से, तो इसका ये वाली भुजा जो होगी वो इसका व्यास बन जाएगी, और व्यास होता है 2r, और ये जो होती है इस वाले की डबल होती है, ये r हो गई, तो r इस तरह 6r इसका आंसर हो जाएगा, यानी पहला इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, तो ये जो लाल रंग का बटन है इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। बराबर में एक घंटे का बटन भी होगा, आप उसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। तो सुनिश्चित यानी कि अंतः केंद्र जो निकलता है वो कोणों के अर्धकों से मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया 21 का सेकंड हो गया। अब 10013 का क्यूब का मान है, तो इसका जो राइट आंसर है 1003 का, इसे करेंगे क्यूब की मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। अगर आप क्यूब सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देख लीजिए, वहाँ मैंने क्यूब निकालने की शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा रखी है, वहाँ आप 1 सेकंड के अंदर इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो मान लीजिए x का 20% यानी कि x 20/100 बराबर है 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये 5, ये हो गया 600। अब 600 का 120% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 720। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया चौथा। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं कि इनकी पहली 18, 22 और 36, यहाँ पे 11, 22 को तुलना करते हैं तो 11 और 22 में हम जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/22 यानी हो जाएगा 6/22, और दूसरी हो जाएगी 15/22। अब जरा ध्यान समझना, 15/22, तो इसमें 6/22 है, 15/22 यानी 6/22 जो हो गई ये हो जाएगी 12, 12/22, 12/22 जो हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी इनसे। अब दूसरी, अब इनमें तुलना करते हैं हम 18, 36 और 6 में, तो इसके लिए मैं जो है 6 से गुणा करूँगा इसको, तो ये हो गया 6×5=30, ये 19 हो गया, ये हो गया 2 से करेंगे 26, तो ये 19/36 छोटा आ रहा। अब 19/36 और 12/22 में हमें तुलना करनी है, जब जैसे हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा फोर्थ, इसका आंसर आ जाएगा, इसने फर्स्ट लगा रखा है, ये गलत है, इसका जो फोर्थ आंसर है वह है 19/36। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दिया जाए, उसका क्षेत्रफल एक समान रखें। देखिए इसकी भी मैंने क्षेत्रफल वाली वीडियो डाल रखी है, उसमें इसका शॉर्ट टेक मैंने सिखा रखी है, इसे भी आप शॉर्ट में बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि क्षेत्रफल में, तो उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे तो चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि बटे 100 - प्रतिशत वृद्धि इंटू 100। अब देखिए सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 से इसको काटेंगे आ गया 20, यानी इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 20%। क्या हो गया इसका आंसर, 20%, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो गया। 1.27 बार बराबर है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1+ इसे लिखेंगे 27/100, और इसे अगली वाली को लिखेंगे 27/10^4 लिख लेंगे, और इसे हम जैसे ही यहाँ इतनी जीपी बन जाती है अनंत पदों वाली, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा इसका आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, 14/11 इसका आंसर आ जाएगा। इधर को जब हम सॉल्व करेंगे इधर वाला पोर्शन, तो ये आएगा 27/GP से अनंत पदों के योगफल वाली सीरीज से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 27/100, और ये आएगा 100/99, कितना आएगा 100/99। अब देखिए 2700 कट जाएगा, 27 इसे काटेंगे 3×9=27, और 3×3=9 इसे सॉल्व करेंगे जैसे ही, तो 11/14 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या हो गया, 11/14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की 10 से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो 8 गुना हो जाएगा। देखिए 15 वर्ष में दुगुना हो रहा, तो इसका मतलब जो है ये 30 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, और फिर 15 और जोड़ दीजिए तो 45 वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 45 वाला आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है जीपी का क्वेश्चन है, उसके समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो इसे a^x + b^y = c^z, इसको k मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम इसको, कि a^x + b^y = c^z को k मान लेंगे, और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बी सी की जो वैल्यू आएंगी वो आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी k/x, और y की वैल्यू आ जाएगी k/y, और z की वैल्यू आ जाएगी k/z सी की वैल्यू। और जैसे ही हम इस यहाँ पर इसको रख देंगे प्रतिबंध में जो हमें दे रखा v² = ac, और जैसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2xz/z+x। इसने जो है ये दूसरा आंसर लगा, ये गलत है इसका, 28 का जो चौथा है इसका राइट आंसर है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, इसमें x²-y²9z²6yz के गुणनखंड है, तो इसमें हम जो कि यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा x², और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे y²-k9z²-k6yz, और ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे ही हम इसमें दो वर्गों का अंतर करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ये वाला, तीसरा इसका आंसर आ जाएगा। तो 29 का कौन सा क्वेश्चन हो गया, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसका तीसरा ये वाला, इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, एक समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है, तो समांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। तो इसका आंसर जो है राइट आंसर है इसका ए प्लस बी अपॉन टू। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से है, ये समलंब ऐसा होगा, ये ए होगा ये बी होगा। अगर मैं ऐसे ही एक उल्टा और इसमें जोड़ दूँ तो यहाँ से इस तरह से, मैं इसमें आपको बता देता हूँ, मैं इसमें ऐसे देखिए एक समलंब इस टाइप का होगा, इसमें ए हो गई और ये बी हो गई। एक मैं उल्टी इसमें करके जोड़ देता हूँ, तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, और इसका जोड़ेंगे तो ए प्लस बी रहेगा, और इसको आधा कर देंगे फिर, तो आधा हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू। अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा 6 के 6 छात्रों की आयु निम्नवत है, तो माध्यिका होगी, माध्यिका इसकी हो जाएगी 15। तो बहुत से आसान क्वेश्चन है, तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 15। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले इसको आरोही क्रम में रखेंगे, 13 14 और फिर 15, है नहीं 12 भी आएगा इससे पहले, 12 13 14 और फिर 16 और 18 19। अब देखिए मध्य पद कौन सा था, 14 और 16 बैठ रहा है, इनको जोड़ कर आधा कर देंगे तो इसका आंसर 15 आ जाएगा। अब देखिए नीचे नीचे अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों में अनुभव संबंध है, तो ये तो फॉर्मूला ही होता है सीधा, इसका फॉर्मूला है 3 माध्य, ये बिल्कुल राइट आंसर है, 3 माध्य का बहुलक प्लस 2 माध्य का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि जो होगी इसके 50/3% होगी, तो इसको आप कर लीजिएगा, तो इसको थोड़ा डिटेल से करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यही बस। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।